नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे कोर्ट स्टूडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको राशन कार्ड संबंधित अपडेट देना। बड़ी खबर सामने आई है साथियों। पहली बात तो हम आपको बता देते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक राशन कार्ड की EKYC नहीं करवाई है, वो राशन कार्ड की EKYC करवा ले। राशन कार्ड की EKYC की डेट फिर से बढ़ा दी गई। ये देखिए साथियों, छठी बार बढ़ाई गई EKYC की तारीख और 31 अक्टूबर लास्ट डेट कर दी गई है। अब देखिए साथियों, सोचने वाली बात यह है, 82.55 लाख लोग बिना KYC उठा रहे गेहूँ। इसका मतलब ये साथियों कि जो 82.55 लाख लोग हैं, इन्होंने अभी तक KYC नहीं करवाई है, तो ये कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरीके से फर्जी लोग हो सकते हैं। क्योंकि जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक है, जो इसके पात्र है, जो राशन के पात्र है, उन लोगों ने तो अभी तक राशन कार्ड की KYC करवा ली, एक बार में करवा ली या फिर दूसरी डेट बढ़ी तब करवा ली। अब छठी बार डेट फिर से बढ़ा दी गई, यानी एक मौका फिर से मिला। और देखिए साथियों, KYC करवाने का उद्देश्य, पात्र वंचित को मिलेगा योजना का लाभ। KYC करवाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि जो पात्र लोग हैं उन्हीं को ही इस योजना का लाभ मिले। ये देखिए साथियों, पोस मशीन से होगी सत्यापन प्रक्रिया। आपको पता है जो राशन कार्ड की KYC वो पोस मशीन के माध्यम से की जा रही है। और साथियों ये देखिए, 31 मार्च तक करनी थी EKYC, यानी कि जो लास्ट डेट थी EKYC करवाने की वो 31 मार्च थी, और 31 मार्च से बढ़ाकर डेट को 31 अक्टूबर तक कर दिया गया। यानी कितनी बार डेट बढ़ चुकी है ये देखिए साथियों, इसके बावजूद भी लोगों ने अभी तक राशन कार्ड की EKYC नहीं करवाई है। अगर आप अभी भी राशन कार्ड की EKYC नहीं करवाते हो तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। और आपको पता तो है ही साथियों, देखिए ऐसे करें EKYC, अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास में जाए और पोस्ट मशीन के माध्यम से राशन कार्ड की EKYC करवाए। और साथियों एक चीज़ ये भी है, ये देखिए साथियों, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा एवं राशन कार्ड से हटेगा। ट्रैक्टर व निजी कॉमर्शियल वाहनों को छोड़कर चौपहिया वाहन यानी जिनके पास में 4 पहिए की गाड़ी है और आयकर रिटर्न भरने वाले हैं और या सरकारी कर्मचारी है, इन सभी लोगों का राशन कार्ड से नाम या खाद्य सुरक्षा से नाम काटा जाएगा। अब काफ़ी लोग हैं साथियों जो लापरवाही कर रहे हैं, जिनके पास में 4-व्हीलर गाड़ी है या फिर आयकर रिटर्न भरते हैं या वो सरकारी कर्मचारी है, तो वो राशन ले रहे हैं, तो इनको इनका हर जाना भी भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने जो अभी तक गेहूँ लिया है तो उसका इनको हर जाना भी चुकाना पड़ सकता है। और साथियों ये जो खबर है, ये खबर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी इस खबर को देखना चाहते हो तो ये जो खबर है दैनिक भास्कर की है, और ये देखिए किस डेट की है, ये साथियों ये जो 6 अक्टूबर की ये खबर है। अगर आप भी इस खबर को देखना चाहते हो और इस खबर की पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो आप अपने 6 अक्टूबर का अखबार दैनिक भास्कर देख सकते हो। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।